नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डिस्यूरिया यानी कि मूत्रकृच के साइन सिम्टम्स, उसके कॉजेज और उसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दूंगी। तो मैं डॉक्टर सुनीता आपका लिव हेल्दी चैनल में स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस रोग में मूत्र की अत्यंत कष्ट के साथ प्रवृत्ति होती है उसे डिस्यूरिया कहते हैं, यानी कि दर्द युक्त दर्द के साथ में मूत्र त्याग करना डिस्यूरिया कहलाता है। दर्द युक्त मूत्र त्याग के लक्षण पुरुषों और महिलाओं यानी कि लेडीज और जेंट्स में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों में ही जलन, बदबू और खुजली का एहसास होता है। उन्हें बार बार मूत्र त्याग करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। अब हम इसके कारणों के बारे में जानते हैं, जैसे कि अक्यूट एंड क्रॉनिक यूटीआई। यूटीआई इन्फेक्शन अगर ज़्यादा एक्यूट और क्रॉनिक है तो भी डिस्यूरिया हो सकता है। अटॉनिक ब्लैडर के कारण भी जो है डिस्यूरिया हो सकता है। डिस्यूरिया का सबसे आम कारण जो है मूत्र मार्ग, मूत्र नलिका, त्राशय या गुर्दे का संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन हो सकता है। तीक्ष्ण औषधियों के कारण भी हो सकता है। अगर उनको गुर्दे में पथरी है तो भी डिस्यूरिया हो सकता है। अगर उनको ब्लैडर का कैंसर है या उसके विपरीत किसी औषधियों का प्रभाव के कारण भी हो सकता है। फिर इंजरी यानी कि ट्रॉमा के कारण, एक्सीडेंटल केस होने के कारण भी ये डिस्यूरिया हो सकता है। एजर्न के कारण भी हो सकता है। ज़्यादा व्यायाम वगैरह करने से भी हो सकता है। यह रोग ज़्यादातर पुरुषों की बजाय महिलाओं को अधिक प्रभावित करता है। बस्ती व मूत्रपथ में दोषों के द्वारा विकृति उत्पन्न होने से ब्लैडर यानी कि मूत्र त्याग करते समय कष्ट होता है। अब हम इसके लक्षणों के बारे में जानते हैं। अक्यूट पेन इन लोअर एब्डोमेन यानी कि पेट के नीचे हिस्से में दर्द होना, बार बार अल्प मात्रा में मूत्र त्याग करना यानी कि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ यूरिन, बर्निंग मिक्चुरेशन यानी कि दाह युक्त मूत्र त्याग करते समय जलन का होना, पेनफुल मिक्चुरेशन मूत्र त्याग करते समय दर्द का एहसास होना, हैवीनेस इन द ब्लैडर यानी कि ब्लैडर में हैवीनेस भारीपन, बस्ती प्रदेश में भारीपन महसूस होना, ऑयली स्टिकी और वाइटिस कलर या कोल्ड यूरिन का त्याग करना, ठीक है, और मल्टी कलर्ड यूरिन, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी यानी कि यूरिन जो है कभी रेड कलर का, कभी येलो कलर का, कभी वाइटिस भी हो सकता है, और बार बार अलग अलग कलर का मूत्र त्याग करना, डिस्टेंशन ऑफ ब्लैडर यानी कि बस्ती का फूलना। अगर आप डिस्यूरिया से ग्रसित हैं तो आपको आहार में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे कि अगर आपके शरीर में बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में है तो उसको बाहर निकालने के लिए स्वच्छ किया हुआ पानी का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। 2 से 3 बार एक एक या दो दो ग्लास छाछ का सेवन करना चाहिए। यह डिस्यूरिया में की सर्वोत्तम चिकित्सा मानी जाती है। इस स्थिति में आप ताजे रस जैसे कि गाजर का रस, नारियल पानी और अन्य फलों का रस का भी सेवन कर सकते हैं। सेब, अंगूर, आड़ू, आलू बुखारा जैसे फलों का भी सेवन कर सकते हैं। चावल, पास्ता, सफ़ेद ब्रेड, चिकने अंडे, मछली या ब्रोकली, कैरेट, ठीक है, कैबेज, इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। गुनगुने दूध के साथ इलायची पाउडर का सेवन हमें करना चाहिए। यह भी डिस्यूरिया में बहुत ही फायदेमंद होता है। डिस्यूरिया में आपको गौमुख आसन, पवन मुक्त आसन, अर्धमतेंद्रा आसन, इन आसनों का प्रयोग करना चाहिए। इससे काफ़ी राहत मिलती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अगर वात का अधिक हो तो बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। अगर पिता अधिक के हो यानी कि पित्त की अधिकता के कारण यानी कि जलन होती हो तो विरेचन का प्रयोग करना चाहिए। अगर कफा अधिक हो, वाइटिस डिस्चार्ज होता हो मूत्र त्याग करते समय तो वमन का प्रयोग करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए। अब हम इसके आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानते हैं। गोक्षुरादि गुगल 2-2 गोली 3 में 3 बार सुबह शाम भोजन के बाद जल से सेवन करें। चंजर प्रभावटी 1-1 गोली सुबह शाम और गिलोय घनवटी 1-1 गोली सुबह शाम खाने के बाद जल के साथ सेवन करनी चाहिए।
चंदन 20 ml की मात्रा में समान पानी मिलाकर सेवन करना चाहिए। अविपत्तिकर चूर्ण 3 ग्राम गर्म जल के साथ में एक ही बार सेवन करना चाहिए, यानी कि रात को सोते समय सेवन करने। पुनर्वारिष्ट 20 ml समान मात्रा में पानी मिलाकर सुबह शाम खाने के बाद लेनी चाहिए। खाने में आप गोदुग्ध, छाछ, आंवला, नारियल पानी, मिश्री, तरबूज, घी इन सब का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।